लुधियाना के जगराओं पुल पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा स्थापित है। सुबह से ही अलग अलग पार्टियों से संबंधित लोग यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पुष्प अर्पित किए और फूल मालाएं भी चढ़ाई। देश भगतों की अहमियत सिर्फ उन्होंने सानू गोरियां तो आजाद करवाता, जबकि असी हजे साड़ी संपूर्ण आजादी नहीं आई। गोरियां तो आजाद हो गए, लेकिन साढ़े अंदरले जड़े काले आ उन्होंने असी अज गुलाम हाँ। कोई सिस्टम नहीं गा, सारा सिस्टम गुलामी वालू आ। देखो अज का नौजवान, जिन्हां नौजवानों ने भगत सिंह ने किन्नी छोटी उम्र च शहादत दी साडी आजादी लई, पर अज का नौजवान साडियां गलत नीतियां करन, राजनीति गलत कारण नशियां च पै गया। अज सब तो पहला शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के चरणों में नमन करना। उन्हां दी महाद शहादत की बदौलत अज जिहड़ा भारत आजादी का निगमान रहा। मैं बड़े जोरदार शब्दों के भारत सरकार तो यह मांग करदा कि जिहड़ा शहीदां नूं इन्हां नूं शहीदी का जिहड़ा दर्जा बहुत जल्दी दिता जाए। शहीदां ने सानूं साडे देश नूं आजाद कराउण लई अपनी शहादत दित्ती है। अज जे भारत आजादी का निग मान रहा उन्होंने अजिहे शहीदां का ही महान रोल है। मैं नमन करदा, साडा रोम रोम उन्हां दा करजाई है। इन्हां शहीदां दी बदौलत साडा देश नूं आजादी मिली और अज साडा देश बड़िया, क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी बहुत लंबी झेलनी पई। जिहड़ियां कौमां अपने शहीदां नूं भुल जांदियां खत्म हो जांदियां। अज असी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव दे जिला कांग्रेस कमेटी तो दफ्तर तो चल के इत्थे श्रद्धा सुमन भेंट करन आए हैं।